गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन टुडे क्लास विल डिस्कस अबाउट सिंबॉलिक लॉजिक। बेसिकली सिंबॉलिक लॉजिक इज द लॉजिक थ्रू विच वी कैन एनालाइज वेरियस मोड ऑफ स्टेटमेंट्स एंड इन मैथमेटिक्स एज वी नो दैट सेंटेंसेस विच आर डिक्लेरेटिव एंड अबाउट विच इट इज पॉसिबल टू जज वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ आर यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड टू प्रूव थ्योरम्स। सच सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स। इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट्स, वैसे स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं जिस स्टेटमेंट्स का दो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। दैट मीन्स जिस सेंटेंस को हम दो तरह से जज कर सकते हैं, वेदर दैट स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस, देन दैट सेंटेंस इज ट्रीटेड एज स्टेटमेंट। तो सिंबॉलिक लॉजिक में सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट, जिसको हम प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, ये इट इज वेल डिफाइंड आर्गूमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। वैसा सेंटेंस स्टेटमेंट के अंदर आएगा जिस सेंटेंस का डिफिनीशन ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर किया जा सकता है। जैसे सीमेज इज इन बिहार, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस हम स्टेटमेंट के अंदर, प्रपोजिशन के अंदर रख सकते हैं। लाइक 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5 मे बी ट्रू और फॉल्स। तो 2 + 3 = 5 इज ट्रू बिकॉज आफ्टर एडिशन ऑफ 2 एंड 3 रिजल्ट विल बी 5। बट ओपन द डोर, इट इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स। ओपन द डोर सेंटेंस में को हम प्रपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ओपन द डोर कहने से ऐसा बोध नहीं होता है कि ये सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स। तो ये एक तरह का कमांड हुआ, लाइक वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, इस सेंटेंस से भी ये पता नहीं चलता है कि ये सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इन टुडे क्लास वी जस्ट डिस्कस अबाउट द सिंबॉलिक लॉजिक। दैट मीन्स द लॉजिक विच इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन जजमेंट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर जो भी हम लॉजिकल स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं, दैट कम्स अंडर स्टेटमेंट्स। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी जस्ट डिस्कस द फर्दर डिटेल्स अबाउट द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट।